Hi everybody, I'm sure lot of you all have gone ahead and wondered, यार ये बच्चे जो जाके एग्जाम्स क्रैक करते हैं, ऑल इंडिया रैंक लाते हैं, टॉप 20 में होते हैं, टॉप 100 में होते हैं, टॉप 10 में होते हैं, वो लोग ये स्पेशल चीज़ क्या करते हैं जो हम अगर एम्यूलेट करें तो हम भी शायद जाके अपना नाम रोशन कर पाए, फैमिली का नाम रोशन कर पाए, पापा के चेहरे पे फाइनली वो खुशी देख पाए। तो आज वैसा ही एक बच्चा, अ सिमिलर स्टूडेंट टुडे इज सीटेड हियर विथ मी इन फ्रंट ऑफ मी, हु इज गोइंग टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस दैट ही हैज फेस्ड, द लेट्स से व्हाट कोविड मेंट टू हिम एंड हिज फैमिली, हाउ दे ओवरकेम दैट, एंड हाउ ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 15 मंथ्स ही, हिज फादर, his mother, his family got together with one aim, and the aim was getting and cracking a top B school straight after class 12. Yes, today I'm joined by Ankush, who's going to talk a little bit about his journey of preparation for IPM IIM Indore and how he went ahead and cracked that exam, and also a little bit about his life and what he is expecting from an IPM IIM Indore and why he actually looked at that as a specific program. So let me take this opportunity without wasting much more time to introduce the chief guest of honor in today's session. Ankush, welcome. Thank you, sir. So how are you, Ankush? Sir, I'm fine. Sab theek? Yes. Acha chal raha hai sab kuch? Yes, sir. To result kab aaya tha? IPM ka? Result 10th ko aa gaya tha. 10th of? 10th of July. 10th of July. तो बस थोड़े दिन पहले आया है वो फाइनल रिजल्ट था। और रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट कब आया? रिटर्न रिजल्ट का जिस दिन जिपमेट दिया था उस दिन आ गया था। तो रफली 20-30 दिन उससे पहले, बिकॉज आई एम गेसिंग इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए क्या 2-3 हफ्ते मिले होंगे, 4 हफ्ते के आसपास। रफली दैट टाइम, राइट? 3 को इंटरव्यू था, 3rd को था, राइट? सो उससे अगर 2-3 हफ्ते पीछे चले जाता हो तो उतना ही टाइम रफली मिला होगा, इज दैट करेक्ट? परफेक्ट। तो एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? एज अ किड, अभी भी यंग हो, जवान हो, 17-18 साल के हो, बट एज अ किड गोल क्या था, करना क्या है जिंदगी में, क्या सोचा था, कभी कुछ सोचा भी था? जब छोटे होते हैं तब तो सपने अलग ही होते हैं। तो क्या थे बताओ ना थोड़े। स्टार्टिंग में तो एस्ट्रोनॉट सोचा था। लवली। लेकिन कोई मूवी के बेसिस पे कि ऐसे ही? बस आसमान में देखना अच्छा लगता था। हाँ। कभी सोचते थे हम भी बाहर जाके देखें। अच्छा, और फिर वो तो छोटे थे, फिर सेम रहा कि कभी जाके फिर चेंज हुआ नहीं और कुछ? हाँ, चेंज तो होते ही रहते हैं। क्रिकेटर सोचा था कि नहीं सोचा था? हाँ, सोचा क्या था? विराट कोहली, MS धोनी। अरे धोनी, ओके लवली। वो कब था, किस मतलब किस क्लास में हो गए जब क्रिकेटर सोचते थे? सिक्स्थ के बाद। हाँ। तो सिक्स्थ के बाद में कितने, 6-7 साल पहले रफली? तो 6-7 साल पहले तो क्या, धोनी तो फिर भी रिटायर ऑलमोस्ट होने वाला होगा, 2017 के आसपास की बात होगी। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास, 2016-17 वो T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास। लवली, गुड। तो फिर ये कैसे उठाई IPM, सडनली कहाँ से उठ के आया कि भाई हाँ पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी कर लेते हैं ज़िंदगी में? थोड़ा मैनेजमेंट के फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से ही। अच्छा। बिजनेस का सोचा था मैं, हमने करना है, तो अगर बिजनेस करना है तो वैसे मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ जो पहले से इसके बारे में पता हो, तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो किसी भी स्कूल में, अच्छे भी स्कूल में जाके ही फिर वो आगे इस फील्ड में जाना अच्छा रहेगा। तो वो बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, तो बोल रहे हो इस बैकग्राउंड से नहीं है, तो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली, लेट अस नो अ लिटिल बिट अबाउट क्या है फैमिली में, कौन क्या करता है? मेरे पापा फल वाले हैं, फ्रूट सेलर, और मम्मी हाउसवाइफ। ओके। तो एंड व्हेन यू से फ्रूट सेलर, तो कितने साल से वो कर रहे हैं रफली? तो पापा को हो गए कम से कम 20-25 साल। लवली। तो वही रोज सुबह उठ के मंडी जाना, फल लाना, फिर लगाना, तो क्या टाइम होता है जब लगता है, ठेला लगता है कि क्या है? हाँ, वही है ठेला, लेकिन एक जगह पे नहीं है, वो घूमते रहते हैं। हाँ, पूरे दिन। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत ज़्यादा, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या टाइमिंग्स होती होगी, लाइक सुबह कितने बजे? बहुत ज़्यादातर लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन जो मेरे पापा का है वो 4 बजे सुबह मंडी पहुँचना होता है, जो जहाँ से फल लेते हैं। और मंडी घर से कितना दूर है? कम से कम 5 किलोमीटर दूर होगा। और कैसे जाते हैं सुबह, साइकिल? रिक्शे से, जिससे बेचते हैं। अच्छा, उसी में जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो वहाँ से फल लेकर आते हैं 4-5 बजे तक, फिर घर पर आते हैं 7 बजे तक घर पर आ जाते हैं, फिर वो सेट करते हैं जो भी लाते हैं, उसके बाद वो निकलते हैं वहाँ पे अपने काम के लिए, और फिर उसके बाद वापस जब आते हैं वो तब 10-11 बज जाते हैं।
रात के? हाँ और फिर वापस सुबह निकल हाँ जाते हैं 3:30-4 के आसपास। हाँ सो बेसिकली 4-4.5 घंटे ये सोने, जब लगातार काम करते हैं तो अच्छे से सोने के लिए भी नहीं तो मिलता। ये प्रॉपर बी स्कूल लाइफ है। हम लोग बोलते हैं लोगों की बहुत मुश्किल होता है कि यार बी स्कूल में जाके 1-1.5 साल ऐसे करोगे, 25 साल से ये चल रहा है। हाँ सो कभी गए हो उनके साथ मंडी वंडी? कभी हाँ हैव यू मंडी गया एक्सप्लोरेड? हूँ, लेकिन वैसे प्रॉपर काम पे पूरे दिन के लिए नहीं गया, लेकिन कुछ आधे दिन के लिए 12-1 बजे तक गया हूँ साथ अच्छा, में। हाँ इंटरेस्टिंग। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मेहनत का काम है। रिस्पेक्ट बढ़ गई पापा के लिए जाने के बाद? हाँ उससे पहले जैसा महसूस होता था, उसके हमें बाद जो महसूस हुआ? लगता है आराम से रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। एग्जैक्टली। तो पता चला होगा, आंखें खुली। हाँ कब हुआ था मतलब कितने साल पहले जाना शुरू किया? ये मैंने 9th तो नॉर्मल करी थी, 9th के बाद कोविड आ गया था, अच्छा तो कोविड के टाइम पे उसके जब मिडल ऑफ द कोविड तब मैंने थोड़ा जाना शुरू किया था। सो कोविड दैट मस्ट हैव बीन वेरी ट्रिकी एज वेल। सो कोविड के टाइम क्या होता होगा? बिकॉज कंसिडरिंग आप बोल रहे हो फल वाले, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेली जो पैसा आ रहा है उसी पे है। तो हाँ वो कोविड के एटलीस्ट वो लॉकडाउन का टाइम 3 months, यू नो अ मंथ हियर एंड देयर बिफोर दैट दोस 4-5 months, वो तो काफ़ी डिफिकल्ट हुए होंगे। हाँ सो उसके बारे पहले थोड़ा? तो बहुत डर लगता था कि बाहर निकलने से भी, इतना ज़्यादा न्यूज़ में सुनते थे कि इतने केसेस डेली आ रहे हैं, लेकिन जो वो डेली बेस पे काम करते हैं, जिनको रोज़ कमाना हो, उनके लिए तो ऑप्शन नहीं है, उनको तो रोज़ करना पड़ेगा, करेक्ट। तो फिर हमें तो जाना ही पड़ा। तो तो वो मन लॉकडाउन में क्या किया? लॉकडाउन 3 महीने फिर भी उसमें भी निकले थे? हाँ उसमें भी गए थे। मस्ट हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट। यस तो वुड यू ऑल्सो गो विथ योर फादर? और नॉट एवरी डे ही टुक मी सम टाइम, सम टाइम्स नॉट एवरी डे ओके व्हेन देयर वाज मोर लोड ऑन हिम। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, सो यू स्पोक अबाउट योर फादर्स देयर मदर्स देयर, फैमिली में एनी सिबलिंग्स? मेरे एक भाई और एक बहन है, दोनों छोटे हैं। अच्छा वेरी गुड। एंड कितने साल छोटे लाइक बहन भाई? बहन तो 11th में है और ओ भाई सो उसने बोर्ड्स लिख 7th लिए, में। हाँ बोर्ड्स अच्छे गए, वेरी हाँ गुड। एंड भाई? भाई अभी 7th बस में क्रिकेट है। खेलते और कुछ नहीं? हाँ हाँ वही चलता है। हाँ परफेक्ट। सो आपने 11-12 में क्या किया? साइंस लिया है, साइंस कॉमर्स, ली थी। साइंस? मन था कि मन फैमिली, तो नहीं था, फिर पापा पापा ने कहा था कि आगे IIT निकालना है, वो तो तो इंडिया में इंजीनियरिंग हाँ करनी है। जो ज़्यादातर लोगों को यही चीज़ें पता हैं, तो पापा भी अच्छा ही चाहते हैं, तो यही उन्हें पता है, तो यही करेक्ट। बोलेंगे। तो इंजीनियरिंग मेडिकल ये दो पता हाँ है, तो उसके बायो अलावा में ज़्यादा मैंने पता ही पहले नहीं ही है बोल दिया था कि नहीं कि करना। मुझे बायो अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी, तो फिर अच्छा एक चीज़ बची, वो उसी की कह तो रहे उसी थे। पे आ गए। हाँ तो फिर कंसिडरिंग कि क्लास 10 आपका कोविड ईयर था, तो क्लास 11 भी कोविड ईयर ही हुआ होगा, क्योंकि हाँ 2 साल रफली हाँ लॉकडाउन, लॉकडाउन नहीं बट चलो फाइट चली, स्कूल यू नो ऑनलाइन हो गए थे, वर्चुअल हो रहा था सब कुछ। हाँ सो दिल्ली गवर्नमेंट का उस टाइम ये भी चल रहा था ना कि ऑनलाइन सारी क्लासेस होती थी, हाँ दिल्ली गवर्नमेंट कुछ निकाला था कि ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस हो रही है एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस क्लास 10-11 में ऑनलाइन पढ़ना? डू यू थिंक इट वॉज गुड, बैड, इट इम्पैक्टेड यू, हाउ वॉज इट? फॉर मी इट वॉज बैड, ओके बिकॉज बिफोर दैट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई स्कोर 90+ कॉन्स्टेंटली टिल माई क्लास 9th, अच्छा बट इन क्लास 10th एंड 11th बिकॉज ऑफ कोविड आई कांट ब्लेम द ओनली कोविड, कोविड, इट वॉज मी, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड दैट्स, बाय देयर वॉज अ फोन इन माई हैंड। फाइनली, यस सो डिस्ट्रैक्टेड बाय द फोन। तो यस क्या करते थे फोन पे? वेल यूजुअली आई यूज टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट एंड अदर वेज टू अर्न मनी। व्हाई? आई हैव सीन द स्ट्रगल ऑफ माई फैमिली, सो आई वॉन्टेड टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल, सो आई वॉन्टेड टू अर्न सम इनकम फॉर माई सेल्फ एंड डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द फैमिली। पर वो तो आप कर नहीं सकते थे, अंडर एज हो, यू नॉट हाँ अलाउड। सो फिर सो माई फादर डिडंट नो मच अबाउट दिस स्टॉक इन्वेस्टिंग? मार्केट इन्वेस्टिंग, सो आई टोल्ड हिम एंड आई मेड हिज अकाउंट, हिज डीमैट ही न्यू अकाउंट। ये कर रहे हो? यस अच्छा सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग यूजिंग हिज अकाउंट। एंड ही न्यू कि कितना स्पेंड कर रहे हो ऑयल की, घर में कुछ नो नहीं ही बताता? डिडंट नो हाउ मच आई वॉज स्पेंडिंग, अच्छा बट आई वॉज नॉट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी, आई वॉज ओनली इन्वेस्टिंग
1,000 a month इज ऑल्सो वेरी गुड. मतलब यू नो आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. 24-25 साल का था, कमा रहा था. मैं तो उस टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करता था. मैं सोचता था खाली FD बनाऊंगा. आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मच लेटर, 28-29 व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. एंड यू आर सीइंग एज अ 16-17 ईयर ओल्ड यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 1,000 per month. और हम लोग ने भी जब स्टार्ट किया था, मैं अगर अपनी बात करूँ 28-29 में, आई ओनली स्टार्टेड विद 5,000 a month. सो 1,000 per month इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है एंड ऑल. So you started with the stock market, you did mutual funds, what kya tha funda? I started with stock market, but then it needed a lot of time because we need to do proper research. So I shifted from stock market to mutual fund investing. So I started Lovely. Doing SIP. Oh, you've done SIPs? Yes. वो एक दो fund houses बता दो सबको कि वो भी तुम्हें copy मार दे. As I'm young, so I have more risk capability. So I'm investing in small cap, and the other one is flexi cap. Lovely. Yes. Okay. So which fund houses? Parag, Parik, and Axis. So Parag is for flexi, I'm sure. Yes. And Axis, you're doing small cap. Yes. Lovely. So currently two funds. Yes, only two. Perfect. No large, mid, वहाँ पे नहीं घुसे. Well, small me. When I invested, when I was investing in stock, I took some, bought some shares of large cap companies. So अच्छा. I'm invested in large cap through stock market. So large cap directly किया है yes. stock market से and small or flexi खेल रहे हो yes. through mutual funds. Yes. Makes sense. I think good. तो अभी तुम्हारे portfolio में कितने stocks होंगे? Around 12. Around 12 stocks. Very good. But you stopped now direct? Yes. When I'll get free time, I'll start again. Perfect. But your SIP is going monthly? Yes. And how much are you spending? You said 1,000 per month. Yes. So ye kiska? Papa ko pata nahi, abhi tak nahi pata? He doesn't know about SIP. Okay. But about stocks, he knows. So kitne saal se kar rahe ho? I started investing in during the COVID time. So it's around 2 years. Roughly 2 years. Yes. So and SIP. And what returns do you have in SIP? In SIP, XIRR is a better Better. Day. So correct. It's around 35%. Very good, yeah. 35% is fabulous. Over what? 18 months? Yes. Usme bhi flexi hai Parag, to Parag would be probably a little lower. Yes. 28-29 hoga aur wo thoda higher hoga. It's more than, it's around the Axis small fund, it's around 40%. Yeah, absolutely. Lovely, yeah. Good stuff. So ye karke maza aa raha tha, interesting lag raha tha. Was it fun? It was fun watching your money grow. And if it had fallen? Well, I told my mother that there is risk involved. So it doesn't necessarily mean that it will grow. But during a span of time, a large span of time, it's bound to grow. Because the financial market will eventually grow. Correct. Yes. Absolutely. Good, yeah. So your mother knew, yes. कर रहे हो. भाई बहन को पता है कि ये क्या हुआ है? Yes. कभी पकड़ लेंगे आके, भाई पैसे निकालो मेरे लिए, खरीदो वो कर दो. हिम्मत बताओ घर में. बट या गुड स्टफ, या वेरी गुड. सो 11-12 साइंस नॉट इंटरेस्टेड, बट डिड यू राइट ऑल दीज एंट्रेंसेस? जेई नीट तो नहीं, बट जेई डिड यू राइट इट? सो डिडंट इवन राइट, प्रेप भी नहीं किया? नो. तो फिर क्लास 12 बोर्ड्स कैसे गए? हाउ मच डिड यू स्कोर? वेल, इट डिडंट, दे डिडंट गो वेल. And I scored only 75% in class 12th. But after class 12th, I told you that I didn't write any JEE exam. Correct. So after class 12th, I got to know about IPM. So I wrote. So you got to know about after class 12th? Yes. कैसे पता चला? Well, my father used sell fruits to one of the to Gautampuri sir. As a GP, okay, yes. Lovely. So he asked about me to my father, and my father told him that I recently passed my class 12th. So we had a meeting, and he asked me about. So where did you meet GP? घर गए थे? Yes. Lovely. तो ये कब हुआ था? After class 12. So after class 12 means last year sometime? Yes. कब? In the month of? Result आ गए थे उसके बाद की result? No, से पहले? Before result. So board March में खत्म होगा, April? You met him around April? Yes. Last day? March end. Okay. Yes. Lovely. So then what was your conversation with GP like? क्या पता चला?
ओपन न्यू स्ट्रीम्स फॉर मी एंड कौन कौन सी स्ट्रीम्स की बात की? वेल वन वॉज IPM एंड दी अदर थिंग्स दैट इफ यू वॉन्ट टू गो इन रिसर्च बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड देन देर आर अदर यूनिवर्सिटीज लाइक नाइसर आईसर बट तुम्हें इंटरेस्ट आ गया साइंस में? यस. सो एक IPM बोलो, और भी कोई ऑप्शन था जो नॉन साइंस वाला ऑप्शन था? वेल बेस्ट ऑप्शन वॉज साइंस वॉज IPM बिकॉज इट विल गिव यू BBA एंड MBA इंटीग्रेटेड. सो अदरवाइज यू हैव टू गिव CUET एंड टेक एडमिशन इन DU. करेक्ट. So it was a better option because after DU also, DU taking admission in DU, you have to, if you want to do MBA, you have to give the exam, CAT exam. Correct, absolutely. Achha, so perfect yaar. So, theek hai. So among all the options jo bole, you thought IPM makes sense for me. So last year pata chala, last year in the month of, like you said, March, April pata chala. Yes. So we are talking about 2023, March, April. Yes. एंड IPM एग्जाम होता है रफली अराउंड मे के आसपास. यस. राइट. सो यू रोट 2023 में IPM? यस. अच्छा, तो वो कैसा गया? वेल आई क्लियर्ड द कट ऑफ एंड आई गॉट अ कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू बट आई डिडंट क्लियर द इंटरव्यू राउंड. सो यू क्लियर द कट ऑफ बट? यस. लवली. सो द इंटरव्यू हैपेंड वेयर लास्ट ईयर? इट वॉज ऑनलाइन. ऑनलाइन. दिस ईयर? इट वॉज इन द्वारका. इन कैंपस? राइट. सॉरी, आउटसाइड, ऑफलाइन था. परफेक्ट, लवली. तो लास्ट ईयर से क्या सीखा इंटरव्यू से? वेल आई एम इंदौर से इंटरव्यू इज मोर बेस्ड ऑन एकेडमिक्स. सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एकेडमिक्स टू क्रैक द इंटरव्यूज. ओके, परफेक्ट. सो यू नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड यूर सेइंग. सो अब यू आर सेइंग मेरा 12 अच्छा नहीं गया, 12 में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, साइंस स्ट्रीम से हूँ, पर तुम्हें पता है कि पूछेंगे मुझे साइंस के क्वेश्चंस. तो इस साल यू डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर बेसिकली. यस. इज दैट करेक्ट? तो वो जब डिसाइड किया था ड्रॉप अ ईयर, बिफोर आई कम टू माय क्वेश्चन, वो तो क्या मम्मी पापा सब ठीक थे? कोई टेंशन नहीं? वो लोग ने नहीं बोला नहीं यार ऐसे थोड़ी कॉलेज ले लो, CUET बैठ जाओ? नहीं, CUET के लिए तो किसी ने नहीं कहा. अच्छा. पापा तब भी कह रहे थे कि ड्रॉप ले रहा है तो IIT कर ले. अच्छा. हाँ. ओके. तो फिर मैंने मना कर दिया कि IIT तो नहीं करना है. अच्छा. तो मैंने बोला IPM ही करना है, नेक्स्ट ईयर दूंगा. ये क्लियर हो गया था? हाँ. ठीक है. लेकिन मैंने सोचा था, क्रिकेट का भी मैंने आपको बताया. हाँ. एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक साल मुझे मिला है. हाँ. तो मैंने इस साल में क्रिकेट के लिए भी ट्राई किया. क्या था किया? अकेडमी से मतलब ट्राई किया था. ट्रायल्स होते हैं. हाँ. लेकिन जो ट्रायल्स उस टाइम पे, ये जो ट्रायल्स होते हैं जो अंडर 19-17 जो होते हैं, वो उसी टाइम पे होते हैं जिस टाइम पे पेपर होता है. पेपर होता है. तो ट्रायल्स में दे ही नहीं पाया. जा नहीं पाया. पर पूरे साल खेला था. हाँ. प्रैक्टिस किया था. हाँ. लवली यार. तो क्या अंडर 17 के ट्रायल थे? अंडर 19 के ट्रायल थे. हाँ. तो तुम किसी क्लब व्लब में खेलते हो? अकेडमी ज्वाइन करी थी. तो ये क्या हो, क्या बॉलर बैटर? ऑफ स्पिनर. ऑफ स्पिनर. बैटिंग भी करते थोड़ी बहुत? हाँ, बैटिंग. क्या के छक्के मारने की कोशिश? थोड़ा वो डिफेंसिव प्लेयर हूँ. डिफेंसिव प्लेयर हो? इंटरेस्टिंग. नाइस टू गेट सम डिफेंसिव प्लेयर्स इन इंडिया फाइनली. वी आर लुकिंग फॉर वन आफ्टर चेतेश्वर पुजारा, राइट? बट या गुड. ठीक है. सो थोड़ा बहुत क्रिकेट के लिए भी किया. सो आई ब्रेक दिस अप इनटू टू पार्ट्स. पार्ट वन, आप बोल रहे हो विद इन 1.5 to 2 months यू आर एक्चुअली एबल टू गो अहेड एंड क्रैक द एग्जाम इन 2023. So let's first talk about that. How were you able to do it in 2 months? What was your mode of preparation? What do you do? Especially considering आप बोल रहे हो मेरा 12 अच्छा नहीं गया. 12 में मैथ्स को कितना आया था? 70. So कम आया था. Yes. It's not very high. हाँ. और 2 महीने के अंदर आपने IPM लिख दिया जिसका लेवल मोर लेस वही है. वही चीज़ें आती है. क्लास 12 का ही सिलेबस है. नॉट कम्प्लीटली बट एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट 60-70% क्लास 12 का सिलेबस है. सो हाउ डिड यू प्रेफर इट? वेल सर, मैंने करियर लॉन्चर का जो एक्सप्रेस बैच होता है वो ज्वाइन किया था. कहाँ पे? CP में. CP सेंटर. ओके, लवली. तो प्रिपरेशन मेरी वहीं से हुई थी. और जो मैथ्स की बात है, इंग्लिश तो मेरा क्लियर हो ही रहा था. मैथ्स में अगर जैसे मेरा बताया कि 11 12th इतना अच्छा नहीं था, तो इसमें जो IPM प्रोग्राम है इसमें उससे पहले के भी पूछे जाते हैं. तो
फोकस वो करना है जो ज़्यादा तुम्हें आता है, फिर जो वीकनेस है उस पर उसके बाद वर्क करना है। तो मैंने वही किया, तो उससे फिर मैथ्स में भी ये कैसे पता चला कैसे करना है 1.5 महीने के अंदर कि मेरे को बस एरिया ऑफ स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, एरिया ऑफ वीकनेस छोड़ दो? क्योंकि जनरली लोग आते हैं बोर्ड्स में तो हमेशा ये होता है ना 100 और 100 सब अटेम्प्ट करना है, बट हम हर बार बोलते हैं वी ऑलवेज टर्न अराउंड एंड स्टेट दैट इन एप्टीट्यूड एग्जाम्स यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर, इट्स नॉट नीडेड, यू जस्ट नीड टू डू इनफ, एंड इफ यू डू इनफ एंड योर एक्यूरेसी इज गुड, यू हैव अ गुड चांस ऑफ कन्वर्जन। सो हाउ डिड यू गेट टू नो दिस, ये पता कैसे चला इसके बारे? CL टीचर्स वर देयर टू गाइड अस, ओके, सो दे ओनली गेव अस द स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द पेपर। वेरी गुड, सो अच्छा है, मतलब सुनते हो? Yes. ये नहीं कि टीचर बोल रहा है, टीचर की कौन सुनेगा, वो तो नहीं चलता है। गुड, सो दैट वाज गुड टू सी दैट यू वेंट अहेड एंड डिड दैट, सो गुड यू क्रैक्ड इट, बट इंटरव्यू डिडंट हैपन, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो ये जो 1 ईयर था, इसमें प्रेपरेशन मोड क्या था, इसमें हाउ डिड यू प्रिपेयर, व्हाट डिड यू डू? बिकॉज कई बार ये होता है ना, आप एक साल ड्रॉप ले लो तो प्रेशर भी है, क्योंकि ड्रॉप ले लिया और इस साल नहीं हुआ तो भैया फैमिली क्या सोचेगी क्या होगा, प्लस यू आर सेइंग कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से फैमिली में भी थोड़ा इशू है, इट्स नॉट कि कम्प्लीटली स्टेबल है, तो वो भी एक टेंशन है। फिर तीसरी टेंशन है कि भैया यू नो हाउ डू आई नॉट ओवर डू, ऐसा भी सिचुएशन नहीं हो चाहिए मैं खाली पढ़ाऊँ खाली पढ़ाऊँ खाली पढ़ाऊँ और फिर एग्जाम का डे आया एंड सडनली इट्स लाइक ओ शिट एवरीथिंग यू नो आई फॉरगॉटन एवरीथिंग। सो हाउ डिड यू बैलेंस एवरीथिंग, हाउ डिड यू स्ट्रक्चर इट? So let's talk about an example of a simple day. Let's talk about a day. How was your day structured? What would you do? Well, last year I was more focused on cricket. So I used to study only 2 hours a day. So, and this year, from January, I got Shashank sir, okay, of CL. I got in touch with him. Okay. So I used to solve questions, maths questions, and if I had any doubt, I used to call him, and used to make an appointment for doubt clearing class. Acha, to CP jaate the. Yes. Doubt clearing session hota tha, and we used to discuss. Lovely. This year also you had enrolled in some course? Ki wahi? Yes. Which course? Wahi same course CL ka. Same. To wo crash course ki full year ka? Crash course tha. Crash course. Lekin sir ka mere pe पर्सनल वो नंबर था, तो रैपो के वजह से यू वर एबल टू टॉक टू शशांक एंड ही वाज लाइक आ जाओ सेंटर, लेट्स डू डाउट सॉल्विंग। लवली, वेरी गुड। सो मैं एक और पार्ट आता है, लास्ट ईयर आपने कितने मॉक्स लिखे थे, हाउ मेनी मॉक्स डिड यू राइट बिफोर द एग्जाम? वेल देयर वाज लेस टाइम एंड इतना मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता भी नहीं था, तो ज्यादा पिछली बार तो ज्यादा नहीं लिखे थे, 2-3-5 के आसपास ही होंगे ज्यादा मुझे। एंड इस बार तो मैंने मैक्सिमम मॉक्स लिखे थे, कितने जो भी जितने आते जाते थे, मैं जो हर हफ्ते आते थे उसमें तो सारे 15-20 के आसपास तो लिखे होंगे, उससे ज़्यादा ही लिखे, मोर देन दैट, मोर देन 15-20 मार्क्स यू रोट दैट डिलिजेंटली एवरी डे, परफेक्ट। इंग्लिश के लिए एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू डिड, बिकॉज यू सेइंग इंग्लिश का कट ऑफ तो हो जाता था, बट एनीथिंग स्पेसिफिक कुछ प्रिपरेशन मोड में कि ये एटलीस्ट इस पर फोकस रखा मैंने? मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं थी इसमें, तो जो वर्ड्स कि मीनिंग्स होते थे जो डिफरेंट, तो उसके लिए इतना नहीं पता था, तो उसके लिए मैम ने कहा था कि रोज़ एक तो न्यूज़पेपर हो गया और डिफरेंट वर्ड्स रोज़ देती थी मैम क्लास में, तो वो हम उससे सीखते गए, उससे बोला था यूज़ करो। विच मैम? राधिका मैम, सेंटर। हाँ, अगेन, ओके, वेरी गुड। तो वो यूज़ करने के लिए कहा था मैम ने एवरी डे। तो प्रिडोमिनेंट फोकस वाज वोकैब, बाकी चीज़ों में टेंशन नहीं थी, वो हैंडल हो जाएगा। रीडिंग करते हो? डू यू रीड? नॉट मच, नॉट अ लॉट। Yeah. Should get into that habit. Yes. चाहिए होगा भी आगे जाके also. So you should slowly start getting into that. But interesting, okay. So for in your mocks also, if I look at your performance, ऐसा भी होगा mocks बहुत गंदे भी गए होंगे बहुत बार? कुछ mocks तो बहुत थोड़े exam से भी difficult लगते थे मुझे, तो मुझे पता थी ये difficult हैं, तो मुझे इतना नहीं था कि उसमें कम आते हैं तो उसमें भी exams में भी कम ही आएंगे, तो इतना demotivate तो नहीं होता था, लेकिन जब कम आते थे थोड़ा लगता तो है कि कम क्यों आ रहे हैं, कहाँ पे वो करना है, तो उसमें अगर जो प्रॉब्लम दिखती थी, जो वीकनेस दिखती थी, उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। वेरी गुड। सो कुछ एक मेथडोलॉजी बनाई हुई थी कि एक मॉक ख़त्म होता है उसके बाद मॉक एनालिसिस भी करना है, तो से एक मॉक कितने टाइम का होता है? 2 आवर्स, 2 आवर, 2 घंटे का मॉक है, तो एनालिसिस में कितना टाइम जाता था? एनालिसिस में भी लगभग सेम टाइम देना चाहिए, 2-3 आवर्स। हाँ,
तो वो कैसे करते थे, व्हाट वाज योर मोड ऑफ एनालिसिस? जब मॉक दे देते हैं उसके बाद वो अपने मार्क्स तो तुरंत ही बता देता है, उसके बाद डिटेल उसमें सीएल में वो है जो डिटेल एनालिसिस देता है हर क्वेश्चन की, वो कौन से उससे चैप्टर से रिलेटेड है और बाकी सिमिलर क्वेश्चंस में तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस था, तो वहाँ से मॉक्स की एनालिसिस होती थी। ओके, तो खुद भी बैठ के कुछ करते, एक तो वो मॉक एनालिसिस जो डैशबोर्ड पे है, खुद बैठ के भी करते थे कि चलो जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं आई विल रिसॉल्व ऑफ। हाँ, सो व्हाट वुड यू रिसॉल्व, ऑल क्वेश्चंस? वुड यू रिसॉल्व ओनली द क्वेश्चन यू गॉट करेक्ट, सॉरी द क्वेश्चन यू गॉट रॉन्ग? वुड यू रिसॉल्व ओनली द क्वेश्चन यू डिड नॉट अटेम्प्ट? व्हाट वुड यू डू? सो जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे मेनली पहले तो उन्हें बुक मार्क करके उसमें गलती ढूंढता था कैसे गलती करी, फिर उसे दोबारा दो तीन बार एक साथ नहीं लेकिन जैसे आज सॉल्व कर लिया फिर कुछ दिन बाद सॉल्व किया ताकि वो याद रहे, फिर जो अटेम्प्ट नहीं किए थे उसमें देखना था कौन सा मैं कर सकता था और कौन सा जो बिल्कुल ही नहीं कर सकता था, ऐसे मैं डिफ्रेंशिएट करता था। और कई बार खुद को बोलते थे हाँ अरे वेल डन, ये क्वेश्चन नहीं करना था वही किया तुमने, वेल डन के अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट वाले में हाँ लगता था कि सही है कि क्योंकि मुझे पता था 11th 12th मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो हायर मैथ्स में थोड़ा कम अटेम्प्ट मेरा रहेगा लेकिन बाकियों में ज़्यादा। एंड यू नेवर फेल्ट बैड कि हायर मैथ में नहीं हो रहा, ये टेंशन तो नहीं होती थी कि कम अटेम्प्ट किया है? होता था। अच्छा, तो उसको कैसे हैंडल किया? ड्रॉप ईयर लिया था तो आखिरी ऑप्शन था मेरे लिए, तो इसकी टेंशन तो पूरे साल ही रही है। पूरे साल? तो उसको हैंडल कैसे किया? बस पढ़ो और मॉक्स में अच्छा करने की कोशिश करो। इंटरेस्टिंग। तो इस ईयर यू रोट अगेन ऑल द आईपीएम एग्जाम्स? लास्ट ईयर ओनली रोट आई एम इंदौर बट दिस ईयर आई रोट ऑल ऑफ देम। एंड हाउ वाज इट, ऑल वेंट वेल? यस। क्रैक्ड ऑल? यस, ओनली इन रोहतक आई गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू बट आई एम इन द वेट लिस्ट। टू वेट लिस्टेड है, यू माइट क्लियर इट इवन नाउ? यस। इंदौर बट यू क्लियर्ड? यस। लवली। सो जब रिजल्ट आया, नाउ लेट्स गो देयर, यू जस्ट सेड अभी 10th ऑफ जुलाई को आया, क्या था माहौल घर में? वेल आई डिडंट नो इट विल कम दिस अर्ली बिकॉज़ रोहतक रिजल्ट टुक ऑलमोस्ट अ मंथ, सो आई गेव माय इंटरव्यू ऑन 3rd, सो एंड द रिजल्ट केम आफ्टर अ वीक, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट बट व्हेन आई गॉट टू व्हेन आई रेड द मेल I was not believing that I got into IIM and that too Indore. So I read it again to make sure. सही है ना, कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने? Yes. Okay. And I was over the moon. Loved it. Yes. Brilliant moment. Okay. You saw the result at home? Yes. तो घर में कौन था उस time? मम्मी थी. बताया क्या हुआ मम्मी? मम्मी तो बहुत खुश हुई थी. कुछ उस दिन special खाना बना था घर में? उस दिन तो खाना खा चुके थे। अच्छा, शाम को आया था। अच्छा, तो फिर अगले दिन कुछ बना स्पेशल? क्या वो मिठाई विठाई बांटी गई कुछ हुआ? अगले दिन एनीथिंग स्पेशल? छोले भटूरे बनाए। छोले भटूरे, अरे वेरी गुड, लवली। फेवरेट डिश है क्या? अच्छा। कि राजमा चावल कौन सी फेवरेट डिश? एक फेवरेट तो नहीं है, कितनी सारी बता दो यार। मतलब खाना अच्छे लगते हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। गुड, लवली। फिर पापा रात को आए? हाँ, तब बताया? पापा कॉल करके बता दिया। कॉल करके बता दिया? हाँ। फिर क्या बोले पापा? कहते अच्छी बात है वो। क्या ऐसा ऐसा नहीं हुआ सबको एक एक फ्री एप्पल या कुछ एक फ्री फ्रूट जो कुछ लेने आ रहे आज मेरी तरफ से एक और फ्री? ये तो पापा से पूछना पड़ेगा। पूछ के बताओ यार हमें भी ऐसा कुछ हुआ था। बट लवली यार, ग्रेट न्यूज। एंड योर सिस्टर, ब्रदर्स टू यंग बट सिस्टर शी वुड हैव आल्सो बीन क्वाइट हैप्पी आई एम श्योर। घर में सब खुश थे। तो वो देख के उसने, सिस्टर ने नहीं बोलना शुरू किया मेरे को भी यही एग्जाम करना है अब? उसे ये अच्छा लगता है आईपीएम लगता है, लेकिन अच्छा। फीस का थोड़ा वो है कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं इसमें आगे। बहुत लोग कहते हैं स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, अगर ऐसा होता है तो शायद वो दे। शी विल आल्सो ट्राई टू राइट। यस, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। सो अगर मैं आपसे पूछूं नाउ लास्ट वन एंड अ हाफ ईयर से अबाउट 15 मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन में, अगर कोई दो तीन पॉइंटर्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो जो प्रेप कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, क्या वो दो तीन चीज़ें होंगी जो आप उनको बोलोगे बी वेरी केयरफुल, बी माइंडफुल, एनश्योर यू हैंडल दिस बिकॉज दिस इज अ प्लेस दैट यू कैन गो एड एंड मैस इट अप? वट वुड दोज टू और थ्री थिंग्स बी? अगर आप पूरे साल के लिए बात करो तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस
तो रोज़ करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी ही नहीं। और दूसरा, मॉक्स ज़रूर देने हैं, मॉक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द कंपेटिटिव एग्जाम्स। इट शोज़ वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड वेयर यू स्टैंड अमंग द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द एग्जाम। सो व्हेन आई यूज्ड टू गिव द मॉक्स, इट ऑल्सो हैड द रैंक इन ऑन विच रैंक यू आर लाइन। सो उससे पता चलता था कि सिर्फ हमारा ही अच्छा गया है या बुरा गया है या औरों का भी ऐसे। सो बेंच मार्किंग, वेयर एम आई वीज़ावी अदर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, व्हाट एल्स? और मॉक्स एनालिसिस भी करनी है, सिर्फ ये नहीं कि मॉक्स दे दिया तो फिर उसके बाद देखो कि आपने गलती कहाँ करी, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वहाँ पे कौन से चैप्टर्स में आप हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छा करते आ रहे हो, और वीकनेस जो आप हर बार करते आ रहे हो, कुछ सिली मिस्टेक्स हैं उन्हें ठीक करना है। और आपके अनुसार व्हाट इज़ द आइडियल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? अगर आप 12th में साथ में कर रहे हो तो पहले तो आपको बोर्ड्स में तो अच्छा करना है, तो Correct. साथ में फॉर अ वीक 5 to 6 आवर्स फॉर अ वीक विल बी सफिशियंट, बट आफ्टर बोर्ड्स यू गेट अराउंड 2 months, तो उस टाइम पे आपको पूरी मेहनत कर देनी है। तो आप बोल रहे हो अगर साथ में प्रेप कर रहे हो मतलब एक साल के लिए, देन एवरी वीक पुट इन 4 to 6 hours। बट इफ यू आर डूइंग इट आफ्टर योर बोर्ड्स एंड प्रिपेयरिंग ओनली फॉर 2 months, देन यू विल नीड टू पुट इन 15 hours a day फॉर दोज 2 months। सो योर रिकमेंडेशन आइडियली वुड बी टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद बोर्ड्स, बिकॉज देन यू कैन स्प्रेड इट आउट। इज दैट व्हाट यू वुड रिकमेंड? यस, यू गॉट टू नो अबाउट दिस आफ्टर माय बोर्ड्स, बट इफ यू हैव इफ समवन हैज समवन ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट ऑलरेडी, देन ही शुड स्टार्ट प्रिपेयर साइड बाय साइड। यस, interesting, lovely. What are two of the things that you would recommend that students be slightly wary of? तो एक तो आपने बोल दिया ये तीन चीज़ें करनी है, यू नो, मॉक लिखना है, एनालिसिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, कौन सी वो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको लगता है विच विल बिकम अ हिंड्रेंस इन द प्रेपरेशन, जो प्रॉब्लम होगी प्रेपरेशन में, और उसको कैसे हैंडल करें? सबसे बड़ी है कि मॉक्स जब लिख रहे हो और अच्छा स्कोर नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होता है। सो डीमोटिवेशन इज पॉइंट वन, तो कैसे हैंडल करना है? ये देखना है, वो वही एनालिसिस वाली बात आ गई, जो पहले तो मॉक्स जो अगर ख़राब गया तो उसको देखो कि क्यों ख़राब गया, किस क्वेश्चंस में आपने जो क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, कहाँ पे गलत किए हैं, और फिर उसके लिए अगले मॉक से पहले अच्छे से तैयारी करो और अगले मॉक में अच्छे करने की कोशिश करना। वेरी गुड इनपुट, वट एल्स? सो डीमोटिवेशन एक पॉइंट हो गया, और क्या हो सकता है जो एक हिंड्रेंस हो जिससे बचना चाहिए? और रोज प्रैक्टिस से आप दूर भाग सकते हो। अच्छा, हाँ, अगर इतने टाइम के लिए कर रहे हैं, चाहे यही सिर्फ इस एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, एग्जाम की बात नहीं कर रहा, बाकी अगर कुछ कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें डीमोटिवेशन फील होता है, उसके बाद मन करता है यार अब आज रहने देता हूँ, ब्रेक करूँगा। हाँ, तो ये नहीं करना है, एवरी डे आपको ट्राई करना है कि आप अगर एक दिन किसी दिन मन नहीं कर रहा तो ट्राई करो कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करो, उसको बिल्कुल खाली मत छोड़ो। सो कंसिस्टेंसी, हाँ, सेकंड पॉइंट कंसिस्टेंसी, यू नो। बट मैं भी जनरली, इफ आई वर टू रेकमेंड टू स्टूडेंट्स, आई जनरली से डोंट ओवर डू इट आइदर, डोंट बी इन अ सिचुएशन वेयर यू टर्न अराउंड एंड स्टेट यार बोर्ड्स के लिए भी प्रेप करना है और इसके पीछे भी रोज 5 घंटे डालने, रोज 4 घंटे डालने। व्हाट इज योर टेक कि नहीं करो, ओवरडू करो? नहीं नहीं, ओवरडू फिर अपने ऊपर ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इस काम से, तो 5-5 घंटे ऐसे रोज़ देने की बोर्ड्स के टाइम पे इतनी ज़रूरत नहीं है, आप पूरे वीक में इतना दोगे तब भी चलेगा। सो दिस इज अनदर रिकमेंडेशन फ्रॉम यू कि ओवरडू भी मत करो, डोंट गेट इनटू दिस मोड कि रोज़ ही मुझे 3-4-5 घंटे इस पे लगाने हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज 1 आवर पर डे इज़ मोर देन इनफ, रफली। परफेक्ट, साउंड्स गुड। Anything else, any other input which you feel, yaar, this could become a cause for worry? Samjho, let's pick this up. Boards ke time mein, ya pre-boards ke time mein, wo jo 15 din, 20 din hote hai, usme kya karna hai? Usme chhuna chahiye, nahi chhuna chahiye, chhod dena chahiye totally, ki beech beech mein thoda dekhna chahiye, kya karna chahiye, according to you? Maine to baad mein diya tha, lekin agar main hota us time pe, to first focus would be boards. बोर्ड्स में अच्छा करना है, अगर आपका सब कुछ पहले से सॉर्ट आउट है, बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन है, तो थोड़ा बहुत इसे टाइम दे सकते हो। अगर बोर्ड्स लग रहा है कि
अभी फुल प्रिपरेशन नहीं है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी. करेक्ट. सो आई विल गो बाय व्हाट यू नो अंकुश इज सेइंग व्हिच इज बोर्ड्स आर प्रायोरिटी वन. सो ड्यूरिंग योर पोच, ड्यूरिंग योर प्री पोच, दोस 15 डेज इवन इफ यू डोंट टच द बुक इट्स फाइन बिकॉज ईच टाइम यू आर प्रिपेयरिंग. जब आप मैथ प्रेप कर रहे हो बोर्ड के लिए ऑटोमेटिक प्रेप हो रही है. जो आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रेप कर रहे हो अपना CBSE ICSE स्टेट बोर्ड जो भी ऑटोमेटिक प्रेप हो रही है. आपका ग्रामर प्रेप हो रहा है, थोड़ा वो कैप प्रेप हो रहा है. वी आर गेटिंग यूज टू दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो एक प्रेपरेशन इज हैपनिंग साइड बाय साइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोथ एज वेल. सो ड्यूरिंग दोज टाइम पीरियड्स, दोज 15 डेज 30 डेज, डोंट वरी टू मच, डोंट गेट ओवरवेलम्ड कि भैया ये भी एक एग्जाम आ रहा है एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, परफेक्ट. वट इज वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यू नो, एंड विद दैट आई प्रॉब्ली in this interaction because it's been great fun, but what is that one last piece of advice that you would want to give students out there? Well, I would say that IPM, it's not a very difficult exam to crack. It's an aptitude exam, so it will touch upon your basics, you know, so your basics should be clear. Try to practice every day to, and do not थिंक कि यार मुझे ये तो आसान कुछ लग रहा है तो इसे छोड़ देते हैं. अगर चाहे वो आसान लग रहा है लेकिन अगर आप छोड़ दोगे उसे तो बाद में वो भी डिफिकल्ट लगना हो जाएगा. हाँ, मैं एक पॉइंट ले आता हूँ जो आई थिंक हम भूल गए होंगे. IPM में भी क्वांट के अंदर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होता है राइट, वो विच इज डिफरेंट फ्रॉम MCQ. सो कंसिडरिंग आप बोर्ड्स के साथ कर रहे हो, बोर्ड्स में तो हर एक क्वेश्चन ही शॉर्ट आंसर ही है राइट, उसमें MCQ होता नहीं. फिर उठ के आ गया यहाँ, यहाँ पे MCQ भी है, शॉर्ट आंसर भी है. वॉज देर अ सेपरेट प्रेपरेशन मेथडोलॉजी फॉर दीज टू की सेम था क्या था? बट जस्ट वन लास्ट ऐसे में जो शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं जनरली तो, और उसके लिए 40 मिनट्स होते हैं. तो इसमें आप हर क्वेश्चन को अच्छे से देख के अच्छे से सोच सकते हो कि कौन सा अटैम्प्ट करना है कौन सा नहीं. और आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तब भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो उसे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. लेकिन MCQ में 40 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने हैं तो इसमें थोड़ा पिक एंड ड्रॉप टाइमिंग बिकम्स एन इशू कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है. मेन स्पीड, हाँ, तो मेन फर्क यह होगा कि इसमें आपके पास एम्पल टाइम है शॉर्ट आंसर में, इसमें लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा. सो वंस अगेन प्रैक्टिस अगर इनफ कर लिया तो ये हैंडल हो जाएगा. हाँ, परफेक्ट. सो दिस वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू अंकुश. यू नो, great to find out a little bit more about your family, you know, about the background, about how hard, you know, you've seen your father work close hand, you know, close up, and how that has inspired you. Also great to see the amount of effort that your father and your family has put in behind you, because aise situation bahut easy hai for them to turn around and say nahi excel nahi dunga main, nahi kar sakte, hum afford nahi kar sakte. But no, education was a priority. They've stayed at it, they've supported you. And even better was the way you've started contributing to the family. I love that SIP model, you know, and I would recommend everybody to start doing what he's done. You know, at an early age of 16, SIP has started already. Dhang ki ek already Dhang ka portfolio ban chuka hai. So it's very inspiring. It was great to have a conversation with you. And I'm quite sure a lot of the students who heard this would be very inspired. They would also be motivated. They would also want to make their parents, you know, proud of themselves. So I think you've done a commendable job and hopefully inspiring a lot of students out there. And you know, it was a pleasure meeting you, and we at CL are very, very proud of your achievement, and we'll hopefully like to see you again next year, you know, come and talk a little bit about life in a B-school. क्योंकि आप फर्स्ट टाइम घर से जा रहे हो राइट, सो वो एक उसका खुद का एक मजा आने वाला है. So what is that one year, you know, going to be like next year? It'll be great if we do part two of this, where we come back and state the first year at IIM Indore, how it was and what I learned. So hope to see you again here, and you know, congratulations again. Thank you, sir. Thank you.